होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। हाँ, वीडियो को डालने में थोड़ी लेट हो गई है, लेकिन फाइनली वीडियो को मैंने अपलोड कर दी है। आज का मेरा लुक, ये लुक है इंस्पायर्ड बाई बसंत उत्सव, क्योंकि हमारे यहाँ पे बंगाल में बसंत उत्सव को बहुत ही माना जाता है, जो कि दूल उत्सव या फिर होली के उत्सव को उत्सव भी कहा जाता है। तो इस होली के उत्सव में ये वाला लुक मैंने क्रिएट किया है। ये है रेड एंड येलो स्मोकी टाइप का एक आई, जिसके साथ मैंने रेड एंड येलो कलर की साड़ी भी पहनी है, आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे कि आपको नए नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी। और चलिए देखते हैं वीडियो को कैसा लगता है। देखिए, उसके लिए हमने यूज किया है नॉर्मल से फेस वॉश, जो आपके घर में अवेलेबल है। आप उसी फेस वॉश से अपने फेस को वॉश कर सकते हैं। उसके बाद हम स्किन पे अप्लाई करेंगे टोनर। टोनर के लिए मैं यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे नॉर्मल सी रोज वाटर। तो इसे नॉर्मली अपने हाथों में लेकर इस तरीके से डैब करते हुए अपने पूरे फेस पे नेक पे अच्छे तरीके से लगा ले। टोनर हमारा लगाना कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर। ये है एरोमा मैजिक की ऑयल की मॉइस्चराइजर। इन सारे जो आज मैं मेकअप करने वाली हूँ, उसके सारे जो प्रोडक्ट है उसके नाम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप चाहे तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जल्दी से मॉइस्चराइजर को अप्लाई कर लेते हैं। अब यूज करेंगे प्राइमर। प्राइमर के लिए मैं यहाँ पर कलर बार की प्राइमर यूज कर रही हूँ, क्योंकि कलर बार की प्राइमर मुझे बहुत ज्यादा सूट भी करती है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी है। मेकअप करने के लिए मैं पहले थोड़ी सी फाउंडेशन अपने आई लिप्स में अप्लाई कर रही हूँ, ताकि आई लिप्स मेरी स्मूथ रहे, और एक डैब स्पंज की मदद से उसे ब्लेंड कर लूंगी। और इसके बाद मैं इसे पाउडर से सेट कर लूंगी। आई शेडो के लिए मैं अपना जो ऑल टाइम फेवरेट आई शेडो पैलेट है मेरे पास, यही अवेलेबल है, वो है मिस क्लेरे का आई शेडो पैलेट। इससे मैं पहले अपनी क्रीज लाइन को ड्रॉ करूंगी। ये वाला शेड, ये थोड़ी सी डार्क ब्राउन वाली शेड है, इसे मैं अप्लाई करूंगी। डायरेक्ट इस तरीके से लेके नहीं अप्लाई करना है, इसे पहले ब्रश में लीजिए, उसके बाद इस तरीके से डस्ट कर लीजिए, इससे जो एक्सेस प्रोडक्ट है वो निकल जाएगा। लाइन ड्रॉ कर ली है, इसके बाद हम अप्लाई करेंगे ये जो ऑरेंज सी जो कलर है। इस ऑरेंज कलर को कैमरे में ठीक से नहीं आ रहा है, बट ये ऑरेंज कलर है, प्योर ऑरेंज कलर है। मेरी कैमरा को आज क्या हो गया पता नहीं, एक भी फोकस ठीक से नहीं ले रही, इसके लिए गुस्सा हुआ अपने कैमरे से। इसे क्रीज लाइन के नीचे इस पॉइंट पे इसे ड्रॉ करेंगे, स्मच करेंगे। इस तरीके से अब हम लेंगे रेड कलर। रेड कलर को लेके इस तरीके से डस्ट कर लेंगे, उसे अब अप्लाई करेंगे। बाद ये जो आई लिड है इसमें हम येलो कलर यूज करेंगे, और येलो कलर के लिए आप किसी भी आई शेडो पैलेट को यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये जो लोकल मार्केट की आई शेडो पैलेट है ये है, इसमें येलो कलर है, इसीलिए मैं इस आई शेडो पैलेट को यूज कर रही हूँ। इसमें एक येलो कलर है ये, और इसी येलो कलर को मैं यूज करूंगी। देखिए इतना ज्यादा ब्राइट लाइट कहां से ला रहे हो भाई। तो हमारे
मैंने यहाँ पे फॉल्स लैसेस लगा ली है, तो ये कुछ इस तरीके से है। अब हम हाइलाइटर लगा लेंगे। आप चाहे तो कॉन्टोर कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी कॉन्टोर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हाइलाइटर लगाऊंगी। पर यूज कर रही हूँ शिवाना का शिमरी हाइलाइटर जो है वो, और एक शार्पी ब्रश की मदद से उसे अप्लाई कर रही हूँ। तो गाइस ये था मेरा आज का लुक। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि कौन सा लुक ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला बिंदी के साथ या फिर बिंदी को छोड़ के। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, और ये टोटली फ्री है, आपको इससे मेरी जो न्यू वीडियोज है उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए टाटा, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।